हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे। नॉर्मली मैं रीडिंग में डेक खोल रही होती हूँ, अभी मैं डेक वापस रख रही हूँ बिकॉज ये यहाँ पे रखा हुआ था। आज हम देखते हैं कि एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट, अभी इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका, उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप प्राइवेट रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी कि इस वक्त एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट, एट द वेरी स्पॉट, अभी के अभी इसी वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या थॉट्स हैं और क्या चल रहा है उनके माइंड में। लिटरली कंप्लीटली करंट थॉट्स, ऑलराइट? आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है एट द वेरी फर्स्ट स्पॉट, क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में, उनकी क्या थॉट्स हैं, प्लीज़ बताइए मुझे आपके पर्सन की क्या थॉट्स हैं। जर्नी, ऑलराइट? इन डिसीजन, अच्छा, एंड कॉन्ट्रैक्ट, ओके। आपके पर्सन के करंट थॉट्स में उनकी ओवरऑल एनर्जी स्टक नज़र आ रही है। नंबर 2, नंबर 8, नंबर 6, नंबर 45। मैन होल्डिंग अ हार्ट, अपने दिल को होल्ड करके बैठे हुए हैं। ओवरऑल एनर्जी में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल को पकड़ के खामोशी से सन्नाटे में किसी कोने में बैठे हुए हैं। जी जाओ दे चिड़ियो ते मर जाओ चिड़ियो, कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा, दिल में दिल पकड़ के बैठे हुए हैं। दिल में जो बातें आ रही हैं, दिल में जो ख्यालात आ रहे हैं, वो खामोशी से बैठे हुए आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं बहुत ज़्यादा क्लोजली। आपकी तस्वीरें हैं तो वो देख रहे हैं, बहुत स्टाइलिश से और बहुत ही सेक्सीस्ट से पर्सन हुए हुए हैं। गेट ओवर, मेक ओवर किया है, कोई कटिंग की है, कोई हेयरडू किया है, कुछ ना कुछ अपने ऊपर चेंज किया है, कुछ मैनीक्योर पेडीक्योर या कोई ऐसी चीज़। आजकल तो मर्द हजरात भी करते हैं, लेकिन मैन होल्डिंग अ हार्ट है, आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी में आप 45 ईयर्स के हो सकते हैं, आपके पर्सन 45 ईयर्स के हो सकते हैं। 4+9, 4+5, 9, 9 days, 9 weeks हो चुके हों, कुछ इस तरह का सिलसिला। लेकिन आपके पर्सन का वेरी करंट स्पॉट पे अगर देखा जाए तो दिल में जो है वो दिल में बात वो ज़बान पे नहीं ला रहे, और ज़बान में जो है वो माइंड तक प्रोसेस नहीं हो रहा, यहाँ तक स्टक ना एनर्जी। अब ये स्टक एनर्जी क्यों नज़र आ रही है? एक तो आपके पर्सन गो विद द फ्लो हुए हुए हैं, आप अपनी जर्नी पर, अपने ट्रैवल पर, अपने सफ़र पर, अपनी डेस्टिनेशन पर फुल फ्लेज विद द ब्राइट एंड सब चीज़ें लेकर चल पड़े। आपको नई फिक्र के पीछे क्या है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ हो रहा। और एक तरफ आपके पर्सन खुद भी सफ़र पे लगे हुए, लेकिन उनकी डायरेक्शन और डेस्टिनेशन की कंफर्मेशन उनको नहीं है। आपके पर्सन ये नहीं चाहते, ये नहीं जानते कि उनको किस तरफ जाना चाहिए, वो कौन सा रास्ता इख्तियार करें, जबकि आप बिल्कुल रवां दवा अपनी जगह पर चल रहे हैं। आप इनलाइटेंड भी हैं, अंधेरा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ पावर स्पिरिट्स आपके पास ऐसी हैं जिसमें आपको लगता है कि ये नहीं भी हुई तो भी मैं अपने रास्ते को रवा दवा करता चला जाऊं या करती चली जाऊं। और एक तरफ ये आपके पर्सन हैं, इनकी करंट थॉट्स में यही आ रहा है कि दोनों का रास्ता एक तरह का, लेकिन मेरी एनर्जी, मेरा रास्ता, मेरी सोचें, मेरा फासला या मेरी मंजिल क्यों मुझसे उलझन का शिकार है। आपके पर्सन ऑफिस, जॉब, करियर में या रिलेशनशिप, फैमिली में कहीं ना कहीं किसी मैटर को लेकर स्टक हैं, या तो वो किसी फैसले का वेट कर रहे हैं, या फिर उनकी कहीं पर जो पार्टनरशिप हुई हुई है उसके अंदर कुछ इम्बैलेंसेस आ रहे हैं। और आपके पर्सन बहुत क्लोजली सोच रहे हैं कि या तो ये रिश्ता किस तरफ जा रहा है, ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, बॉन्ड किस तरफ जा रहा है, क्यों एकदम से ऐसा लग रहा है कि आंखों पे पट्टी बन गई है, इस रिश्ते का फैसला क्या होगा, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ, मैं जहन के हाथों मजबूर हूँ, मैं किस चीज़ के हाथों मजबूर हूँ, मुझे कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा, उसको कुछ क्यों नहीं नज़र आ रहा, कुछ दिखाई, कुछ सुझाई क्यों नहीं दे रहा। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स, मैंने पहले ही वर्ड में जो कहा था, एक स्टक एनर्जी, एक रुकी हुई एनर्जी, एक दिल पकड़ के बैठे रह जाने वाली एनर्जी है, कोई एक्शन ना लेने वाली एनर्जी है, और आप कंप्लीटली इनसे दूर होते हुए कहीं दूर मंजिल पे जाते जाते नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन फैसला नहीं कर पा रहे, इनडिसीजन में साफ लग रहा है कि वो फैसले उनके पास हैं लेकिन वो फैसला कभी भी नहीं कर पाते। शायद आप एक मोटिवेशनल सपोर्ट हो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, या यहाँ पर ऐसा है, या तो ये नेस्ट बना हुआ है, या फिर ये कोई बैट है,
या फिर ये जुगनू है जिनके अंदर से लाइट निकलती है जो, या फिर ये एक ऐसा 11 बना हुआ है, अगर आपको नज़र आए ये एक 11 की तरह लग रहा है। एंड इट लुक्स लाइक कि जैसे यूनियन का टाइम, यहाँ पर भी ये दरख्त नेचुरली हॉलो हो रहा है, यहाँ भी हॉलो हो रहा है, या तो शाखें ऐसी हैं या फिर यहाँ पर ये क्रो का साइन है जो इतना अंधेरे के अंदर, बिकॉज यहाँ पर ये आप अगर गौर से देखें ये कैसे ऐसा लग रहा है इसे लटका हुआ है, एंड हियर ऑल्सो यही एक इमेज है। तो दिस कुड बी यू नो समथिंग सिग्निफिकेंट कि कोई ऐसी चीज़ नज़र में आई हुई है कि जिसकी वजह से फैसला नहीं कर पा रहे, या फिर ये कि रोशनी नहीं पता चल रही, डायरेक्शन नहीं पता चल रही, नज़र नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, आपके पर्सन एट द वेरी करंट मोमेंट उनकी सोचों में स्टक है सब कुछ। देखते हैं कि ये इस तरह की सोचें क्यों हैं, रीज़न क्या है जो आपके पर्सन इतना स्टक फील कर रहे हैं, आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच 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 रहे हैं। सेलिब्रेशन, अबंडेंस, खुशियां, तोहफे और राइट। ट्विन फ्लेम, ये रास्ता देखकर भी मैं समझ रही थी कि आप दोनों एक दूसरे से अपनी जर्नी को कंपेयर भी करते हैं। फेट, डिटोर्स, डिवाइन इंटरवेंशन, छोड़ा हुआ है चीज़ों को कि मैं तो छोड़ दूँ, केमिस्ट्री, पैशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट है रिश्ते में, और लड़ाई हुई है आप लोगों की, कोई बहस हुई है बिकॉज यहाँ थंडरिंग लाइट्स है, कुदरत ही कुछ करे तो करे, और आप लोगों का ट्विन फ्लेम रिलेशन हो सकता है। एक मोमेंट पर आकर आपके पर्सन ये भी सोचते होंगे गिफ्टेड है ये रिश्ता, हमारी खुशियाँ एक दूसरे की एक जैसी नहीं है, हमारी खुशहाली एक दूसरे की एक जैसी नहीं है, हम ट्विन फ्लेम होते हुए अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुद एक दूसरे को इन्जॉय नहीं कर रहे, लोग हमारी लाइफ को इन्जॉय कर रहे हैं लेकिन हम एज ट्विन फ्लेम या सोलमेट पार्टनर एक दूसरे की लाइफ को इन्जॉय नहीं कर रहे। प्लस दिस इज़ समथिंग कि आपके पर्सन ने दिल पकड़ के बैठ कर ये बात तय कर ली है कि ये किस्मत में ही ऐसा है, अब कोई कुदरती तौर पर इसमें दड़ाड़ शड़ाड़ पड़े तो पड़े लेकिन मैं अपने एंड पर कुछ ना करूँ। विद द केमिस्ट्री दे डू फील द लैकिंग, अपने अंदर रिश्ते के अंदर एक बॉन्ड महसूस नहीं कर रहे, जो केमिस्ट्री, जो पैशन, जो आग, जो तनाव, जो अलाव एक दूसरे के साथ महसूस करते थे। अगेन कॉन्ट्रैक्ट, कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो है, या तो आपके पर्सन रिसेंटली किसी काम में जुड़ गए हैं, कोई दोबारा से काम रिफ्रेश कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन और फाइलिंग देखनी पड़ रही है, पुराने कागजात निकालने पड़ रहे हैं। विद द कॉन्ट्रैक्ट, करियर एंड कमिटमेंट, इनकी लाइफ के तमाम ही एंगल जो हैं वो एक्टिव हुए हैं, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट था, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट था, किसी के साथ कोई डील कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, और बहुत बारीक बीनी से, यानी इस वक्त बिल्कुल ऐसी भी सिचुएशन हुई है कि इस वक्त इनको लग रहा होगा कि ठीक है अब सब कुछ छोड़ो, दिल की नहीं सुनो, बस जो समझ में आता है कर डालो, बिकॉज अल्टीमेटली इनको लग रहा है कि ये चीज़ जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी ये अबंडेंस की तरफ आएंगे, खुशहाली की तरफ आएंगे, एंड देन वट एवर इज़ रिटन इन द किस्मत ये आपके साथ हो जाएगा। एक्टिवेशन, हायर सेल्फ, इनको इनकी अपनी इंट्यूशन भी इनको जवाब दे रही है, कह रही है कि ठीक है गो फॉर इट, और ये साइकिल है इसको कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो करंट थॉट्स में अगर मैं देखूँ आपके पर्सन का, तो ये लग रहा है कि किसी भी चीज़ पर अपने ट्रैक को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना चाह रहे, डिसहार्मनी नहीं करना चाह रहे। यहाँ पर भी आप देख लें, अगर बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बहस मुबाइस है, देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट और बहस आप दोनों के दरमियान हो सकती है कि रिश्ता ख़राब हो सकता है। दैट इज़ वाई खुद अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, खुद सोच रहे हैं और बहुत जल्दी में हैं, किसी चीज़ को लेकर चाह रहे हैं कि जल्दी से रिजॉल्व हो जाए ताकि जो स्टक एनर्जी है इसका बैरियर जो है वो किसी ना किसी तरीके से टूटे। तो यस, आपके पर्सन की करंट थॉट्स में स्टक एनर्जी है, जर्नी की डेस्टिनेशन का इनडिसाइसिवनेस है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई डील है जिसको ये जल्दी से हालात के ठीक होने के लिए करना चाह रहे हैं, अपने रिलेशनशिप के अंदर स्पार्क भी महसूस कर रहे, फील नहीं कर पा रहे कि ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है या किस तरफ आ रहा है। लेट्स सी फ्रॉम हियर आपके पर्सन की करंट थॉट्स इस वक्त एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट क्या हैं। लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट थॉट्स क्या हैं, उनकी सोच क्या है, आपके पर्सन इस वक्त इसी लम्हे में क्या सोच रहे हैं, और ये लम्हा आपकी नज़रों से, रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी गुजरेगा तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। आपके पर्सन इस लम्हे इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन इस वक्त इस लम्हे में क्या सोच रहे हैं। ओके, आपके पर्सन इस लम्हे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन इस लम्हे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, फाइव ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एंड द टावर मोमेंट।
देखिए भाई, सीधी सी बात है, सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, सुकून सोच रहे हैं कि सुकून कैसे आए। बहुत सारी चीज़ें कानों में चाएं चाएं करती हैं, बिल्कुल कौवों की तरह। वो कॉन्फ्लिक्ट्स, वो बातें जो मैंने अभी भी आपको रीडिंग में बताया था, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसहार्मनी का कार्ड था, यानी एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड आ गई है कि अब यार फड्डा ही होकर अगर चीज़ें खोले ना तो खुल जाएं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, आपकी चुप इनको बहुत ज़्यादा मार रही है। ये खुद भी चुप हैं, आप भी चुप हैं, दोनों को एक दूसरे की चुप मारे दे रही है। आप भी रिजर्व हैं, ये भी रिजर्व है, ना वो खुल रहे हैं ना आप खुल रहे हैं। आप दोनों के दरमियान या तो टावर मोमेंट होने वाला है या फिर टावर मोमेंट हो चुका है। एक खामोशी, एक तनाव, एक रेजिस्टेंस, एक फड्डा नज़र आ रहा है, और आपके पर्सन इस वक्त फड्डा ही सोच रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप अपनी खामोशी लड़ाई करके तोड़ें, लेकिन तोड़ें तो सही। आपके पर्सन या तो आपसे लड़ाई करेंगे या फिर आपको वो ट्रिगर करेंगे कि आप लड़ें उनसे, ताकि वो जो उनके दिमाग में सोचें आ रही, उनका दिमाग लिटरली ऐसा लग रहा है कि जैसे फट जाएगा, एंड दे वांट पीस। नाउ लेट सी कि ये सब कुछ इस तरह की बातों को क्यों सोच रहे हैं, ये इस तरह से क्यों सोच रहे हैं। एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, आपके पर्सन को लग रहा है कि जैसे आप इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर गए हैं। इनको बहुत ज़्यादा, आपको जितनी भी एनजाइटी होगी, आपको जितनी भी परेशानी होगी, आपको जितनी भी उलझन होगी, आप इनको कभी भी नहीं बताएंगे। आप रोएंगे, पीटेंगे, कहीं और जाके सर फोड़ देंगे, लेकिन इनको नहीं बताएंगे। एंड इनको ये तमाम इनकी सोचों में ये आ रहा है कि शायद आप फैमिली को भी दाव पर लगा दें। तो ये इस वजह से इनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स उठ रहे हैं, ये एनजाइटी उठ रही है, और ये तमाम चीज़ों को लेकर बैठे हुए हैं कि आपकी खामोशी, अगेन हाई प्रीसेस, आप बहुत खामोशी से काम लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और आप इनसे कम्युनिकेट बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो ये आपके पास बहुत स्पीड से आना चाहते हैं, आप लड़ें पीटें, गालियां दें, मारें पीटें, झगड़ा करें, बहस करें, चीखें, लेकिन आइस ब्रेकिंग करें, बिकॉज इनको अब इनका थ्रेशहोल्ड जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तो ये थी जनाब आपकी रीडिंग। आपके पर्सन एट द वेरी करंट मोमेंट ये सोच रहे हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।